G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है, जिसमें मोदी और जिनपिंग में एनएसजी में भारत की सदस्यता और आतंकवाद के मुद्दे के अलावा पीओके में बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद मोदी और जिनपिंग ब्रिक्स देशों के अनौपचारिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज कश्मीर जाएगा। कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए अलगाववादियों को भी नौता भेजा है। सीपीएम ने इस मामले में अलग लाइन लेते हुए कहा है कि कश्मीर हिंसा का हल निकालने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आने से पहले ही कश्मीर के कई जिलों में हिंसा प्रदर्शन हुए। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए। कश्मीर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में ही कुलगाम जिले में पीडीपी नेता का घर फूंक दिया गया। गृह मंत्रालय ने हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए लाल मिर्च वाले पावर शेल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज 1000 पावर शेल्स कश्मीर भेजे जाएंगे। वहीं सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी हालात में ही किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ समझौते के बाद देश भर के सरकारी अस्पताल के नर्सों ने हड़ताल खत्म कर दी है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने सैलरी और भत्तों में संशोधन की मांग पर ये हड़ताल बुलाई थी। संगठन के मुताबिक सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने को कहा है, इसीलिए हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। अश्लील सीडी कांड में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को दिल्ली पुलिस आज अदालत में पेश करेगी। पुलिस ने खुलासा किया है कि संदीप को सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पहुंच रहे थे, यहीं पर ही आ रहे थे वो, और हमने उनको फिर अप्रिहेंड करके अरेस्ट किया है। वीडियो में दिखी महिला ने आरोप लगाया है कि संदीप ने उसे राशन कार्ड के बहाने धोखे से बुलाकर बलात्कार किया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ बलात्कार और आईटी एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की है। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या की 6630 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जिन संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है, उसमें मुंबई का 200 करोड़ का फार्म हाउस, बेंगलुरु में 800 करोड़ की कीमत का मॉल और अपार्टमेंट और 3000 करोड़ के शेयर हैं। वहीं सर्विस टैक्स न चुकाने के मामले में माल्या के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। अखिलेश सरकार ने एक घंटे में कई बड़े फैसले लेते हुए 30 साल से लटकी परियोजनाओं को पास कर दिया। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सैफई और इलाहाबाद में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट शामिल है। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा 30 साल से लटका हुआ था। इन परियोजनाओं का काम रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से शुरू नहीं हो रहा था। वेटिकन सिटी में आज एक समारोह के दौरान मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जाएगी। इस मौके पर दुनिया भर से आए मदर के 1 लाख से ज्यादा अनुयायी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 सदस्यों की टीम भी वेटिकन गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वेटिकन पहुँच चुके हैं। बांग्लादेश के बड़े बिजनेसमैन और सबसे बड़ी पार्टी जमाते इस्लामी के नेता मीर कासिम अली को युद्ध अपराध के दोष में फांसी की सजा दी गई है। मीर कासिम बांग्लादेश का ऐसा छठा बड़ा नेता है, जिसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई है।